कि तेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है, तू गौमूत्र पी और ठीक हो जा। अगर नहीं होता है ठीक तो चुपचाप कोरोना ले और दुनिया से निकल ले, तेरे को जरूरत नहीं है तेरा दुनिया में। तू गौमूत्र पी, दिमाग ठीक कर, नहीं तो कोरोना ले और निकल ले चुपचाप से। मजलिस ए AIMIM YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक करें। एक नवाब का खतरा है, अय्याशियों की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, नवाब की गलतियों की कहानी है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मजलिस ए AIMIM। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हमारे ईद उल अजहा आने वाली है, जिसे हम बकरीद कहते हैं, ये हमारे एक बहुत ही बड़ी ईद होती है। ये ईद उल अजहा जो कुर्बानी का दिन होता है, ये आने वाली है अभी चंद दिनों के बाद। लेकिन अभी से ही ये जो खिलाफ पार्टी है, जो कि मुसलमानों के खिलाफ आतंकवादी ये वो इख्तिलाफ फैलाने वाली पार्टी, अभी से ही वो लोग अलग अलग अल्फाज, जहरीले बोल, जहरीले जबान खोलना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह आप लोगों को मालूम होगा कि हर साल हमेशा पुलिस के डंडों से पिटने वाला, हर महीना जेल जाने वाला, हर महीना लाठी चप्पल खाने वाला टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना के गोशा महल के MLA है, वो इस मरतबा फिर से वो विवाद में आ गया। फिर से उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया। उन्होंने बहुत ही बुरे बदतर अंदाज में एक नज़म गा के, एक कहानी गा के उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला किया। तो दोस्तों, वो नज़म क्या है और उन्होंने क्या क्या उसमें कहा, आज हम आपको वही सुनाने के लिए आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो आपको हम बताते हैं कि उन्होंने जो नज़म गाया है वो इस तरह अंदाज में है कि जो हाथ उठे गौ पर, गाय के बारे में उन्होंने, गौ माता के प्यार के बारे में उन्होंने इस तरह से अभी गाया है, अभी कल के दिन। जो हाथ उठे गौ पर उन्हें कौन बचाएगा, वे मौत यहाँ पापी वो मारा जाएगा। जो हाथ उठे गौ पर हम माँ कह कर के सदा, पूजा करते हैं जिसकी, उनकी हत्या जो करे अब खैर नहीं है उसकी। अल्लाह का बन कर के वो प्यारा हो जाएगा, बेमौत यहाँ पापी वो मारा जाएगा। जो खात उठे गौ पर मेरे गौ माता का गिन, हर एक निराला है देकर हर दूरम इत, दुनिया को पाला है। अब मेरे गौ माता को जो भी सताएगा, बेमौत यहाँ पापी वो मारा जाएगा। जो हाथ उठे गौ पर गौ माता के आंचल में, सुख दुख सारे समेटे हैं इस देश में करोड़ों अब गौ माता के भेते हैं। अब धर से धसर सीधे वो उतारा जाएगा, बेमौत यहाँ पापी वो मारा जाएगा। जो हाथ उठे गौ पर अब सुन लो ए मुल्लो, गौ माता को मत मारो इस देश में रहना है तो। गौ माता की जय बोलो वरना तुमको भी अब जिंदा दफनाएंगे, बेमौत यहाँ पापी वो मारा जाएगा जो हाथ उठे गौ पर। आप लोगों ने ये पूरा नज्म सुन लिया, इसमें राजा सिंह कितने बुरे अल्फाज का यूज कर रहे हैं, कितने बुरे अंदाज में वो मुसलमानों के ऊपर वार कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, बेमौत मत मारो गौ को। अरे भाई, तुम्हारे गौ को कौन खा रहा है? हमेशा ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। हमेशा ईद आए या बकरीद आए, मुसलमानों के ऊपर वार करना, मुसलमानों के ऊपर हमला करना, मुसलमानों के अंदर नफरत, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करना, ये इन सब के अंदर पाई जाती है। ये एक नंबर से बदबख्त बदतर जालिम है। ये टी राजा सिंह नहीं, इनको हुकूमत करने आता नहीं, MLA संभालना आता, बस इनके दिलों में नफरत नफरत नफरत, बस इनके दिलों में गौ माता तो गौ पूजा तो गौ रक्षस। अरे भाई, साल भर तेरे को याद नहीं आया गौ माता का? साल भर पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में गाय को खाया जाता है, पूरे दुनिया में। वहां जाके तुमको रोकने का पावर नहीं है तुम्हारे अंदर? सऊदी में खाया जाता, दुबई में, अमरीका में, वहां जाके रोको अगर दम है।
बस सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर इख्तिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब जालिम लोग। मेरे मोहतरम, हमें समझना चाहिए कि यह हैदराबाद का MLA होके हैदराबाद के अंदर गाय नहीं खाया जाता, बिल्कुल नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी ये सब जालिम लोग सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी जिस तरह के लोग गाड़ियों को पकड़कर चेक किया करते थे राजा सिंह के आदेश पर और बहुत सारे जो हुक्म करते थे SP DSP को, तो इस मरतबा खुद DSP ने कहा, SP ने, ISP ने खुद कहा कि इस मरतबा किसी भी गाड़ी को नहीं रोका जाए, किसी भी गाड़ी के ऊपर जो भी हो उनको नहीं रोकना, उनका टाइम बर्बाद नहीं करना, कोई भी यहाँ पर इलीगल तरीके से नहीं आते, सब लोग लीगल है, उनका पेपर देखना, पेपर चेक करना, बराबर है, हाँ ठीक है जाओ, उनका टाइम बर्बाद नहीं करना। लेकिन ये लोग जो जालिम है, लोगों को जो भटका रहे, आवाम को भटका रहे, जिसकी वजह से आवाम का दिलो दिमाग भटकेगा और गाड़ियों को चेक करना, तो ये मारपीट लड़ाई झगड़ा ये सब ये जालिम टी राजा सिंह का है। मैं उन टी राजा से कहता हूँ, सुन लो, अगर तेरे अंदर पावर है तो पूरा दुनिया को रोको। कह रहे हो ना मेरा गांव माता पूरा दुनिया को चलाता है, अरे गांव क्या, पूरा इंडिया, पूरा दुनिया के अंदर ओनली 10 देश होगा, 5-7 देश जिसके अंदर तुम्हारे गौ को गौ माता माना जाता होगा, बाकी तो हमारा अल्लाह, हर जगह हमारे अल्लाह को माना जाता है यार, गौ माता। अमेरिका में जाकर रोको यार, दम है तो वहां तो बड़े बड़े गाय को खाया जाता है, एकदम जो दूध देती है उसको खाया जाता है, जाके रोको, दुबई में रोको पावर है तो, सऊदीया में रोको, कतर में रोको, यमन में रोको, नहीं सिर्फ मुसलमानों को इंडिया में, सिर्फ मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर परेशान करना, तो मुल्लों को सुनाना, ये किस तरह से गलतले अल्फाज का यूज कर रहे हैं। तो मैं राजा सिंह को कहता हूं, अगर तुमको गाना गाना नहीं आता तो इस गंदे अल्फाज मत यूज किया करो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये मुसलमानों के अंदर तुम विवाद खड़े कर रहे हो, मुसलमानों के अंदर नफरत फैला रहे, हिंदू मुस्लिम के अंदर, ये मेन तुम लोगों का कहानी है गौ रक्षक की, तो गौ माता की, जब पूरा साल पूरा दुनिया में खाया जाता है तो वहां पर गौ माता याद नहीं आता, वहां पर गौ रक्षक याद नहीं आता, और यहाँ पे जब ईद आने लगती है मुसलमानों का, उस वक्त गाय याद आता है, उस वक्त गाय का माँ का प्यारा बन जाता है। इसलिए कहता हूँ गाय का मूत्र पियो, BJP MLA कह रहे ना गौ का मूत्र पियो, गौमूत्र पियो, कोरोना नहीं आएगा, योगी सरकार खुद कह रहे गौमूत्र पियो बीमारी से दूर हो जाएगी, तेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है, तू गौमूत्र पी और ठीक हो जा, अगर नहीं होता है ठीक तो चुपचाप कोरोना ले और दुनिया से निकल ले, तेरे को जरूरत नहीं है तेरा दुनिया में, तो गौमूत्र पी, दिमाग ठीक कर, नहीं तो कोरोना ले और निकल ले चुपचाप से, कोई रोकने वाला तुझे नहीं है, समझे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मिलते हैं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।